मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सहु चकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निश्चा रखांगा निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं प्याए या पक्षपात या स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सहु चकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मनु ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसके अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपना कर्तव्य दे ठीक निभांदिआं लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रकट करांगा। मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सहु चकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं प्याए या पक्षपात या स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सहु चकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मनु ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसके अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपना कर्तव्य दे ठीक निभांदिआं लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रकट करांगा। मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सहु चकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा अते मैं प्याए या पक्षपात या स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं ब्रह्म शंकर जिम्पा ईश्वर की सहु चकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मनु ज्ञात होगा वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसके अजिहे कैबिनेट मंत्री वजो अपना कर्तव्य दे ठीक निभांदिआं लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रकट करांगा।